आज का जो प्रेफर्ड पिक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, साइडवेज कंसोलिडेशन था, उसके बाद कल और परसों का जो पैटर्न बना हुआ है, सेटअप बना है, ये मुझे पसंद है। इसका मतलब एक अपू मिल सकता है। अब ट्रेड कर रहा है 4200 पर, स्टॉप होना चाहिए 4150, अपसाइड टारगेट 4275। डिक्सन रखिए रडार पे भाई, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 4275 की कर रहा है तैयारी। कल बहुत अच्छा मूव एंजॉय कर रहा था, कल खबरों में भी था, गूगल और एंड्रॉइड के साथ जो करार हुआ था इसका, उसके चलते स्टॉक रडार पे आया था, खबरों के चलते अच्छे मूव्स बने, और गाबा सर कह रहे हैं फर्दर लेग्स होंगे इस मोमेंटम के, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। कविता जी गुड मॉर्निंग, कविता जी आज का आपका टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे टॉप कॉल है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज में हमने कल लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखे, और पिछले चार वीक में जो ये कंसोलिडेशन था, मुझे लगता है उससे ये बाहर आते हुए दिखेगा। कल एक वॉल्यूम के साथ ये अप्रोच किया है अपने 20 डेमा को क्रॉस करने के लिए। इवन जब ऑप्शंस पोजीशन देख रहे हैं तो 210 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है। आई बिलीव देयर इज सम स्कोप फर्दर। 203.90 की क्लोजिंग है। आई बिलीव 208-210 के लक्ष्य के लिए रेन इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में बाइंग की जा सकती है। 199 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वेरेज अगर आप ऑप्शंस के रूप से ट्रेड करना चाहते हैं तो स्लो पाइक 205 का आप कॉल लुक आफ्टर कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है 12.50-13 रुपए तक के टारगेट्स के लिए उसे आप अप्रोच करें, एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 9 रुपीज। ओके, रेन इंडस्ट्रीज, कभी कभी जो चार्ट जब हमारे मेहमान विशेषज्ञ रिकमेंड करते हैं तो उसके बारे में कुछ कहना जरूरी होता है। अगर आप आज के हालात में किसी मिड कैप स्क्रिप्ट पे जाएं, केमिकल स्पेस में जाएं, या फिर अगर आप किसी भी बास्केट को देखें, सबसे बेहतरीन चार्ट्स की ट्रेजेक्टरी में अगर कोई चार्ट होगा तो उसमें आप इसको जरूर प्लेस करेंगे। बहुत ही शानदार चार्ट, कूल चार्ट, 18 जुलाई से लेकर कल के प्राइस तक, इट्स ए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट, बेहद शानदार कॉल।